दोस्तों, अमेजॉन जंगल के बारे में कौन नहीं जानता। ये जंगल जितना अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, उतना ही यह जंगल जानलेवा भी है, जिस कारण से ढेरों सैलानी यहाँ से डरावनी यादें अपने साथ लेकर जाते हैं। आज के वीडियो में हम आपको अमेजॉन जंगल से जुड़ी बातें बताने जा रहे हैं कि आखिर ये जंगल इतना जानलेवा क्यों है। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि इस तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, अमेजॉन जंगल कितना बड़ा है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर ये एक देश होता तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। इसे दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन कहा जाता है। यह वर्षा वन 2.1 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है। इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। यहाँ पर सूर्य की रोशनी भी सही से नहीं पहुँचती, क्योंकि यहाँ के पेड़ बहुत बड़े और लंबे हैं। दुनिया का 20% ऑक्सीजन भी यहीं से बनता है। अमेजॉन जंगल में पेड़ पौधे, कीड़े, जानवर आदि की ढेरों प्रजातियां पाई जाती हैं, जो खूबसूरत के साथ साथ जानलेवा भी होती है। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं वजहों से अमेजॉन जंगल में रहना आसान नहीं होता। आपकी जरा सी भी चूक आपके लिए खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकती है। यहाँ बड़े जानवरों से लेकर छोटे मोटे कीड़े भी बहुत खतरनाक होते हैं। इस जंगल का एक मच्छर भी यदि आपको काट ले तो आपका बचना मुश्किल हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, मच्छरों की तादाद इस जंगल में बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर वातावरण में नमी रहती है, जिस कारण से मच्छरों से होने वाली बीमारियाँ जैसे डेंगू, मलेरिया आदि का खतरा बढ़ जाता है। मच्छरों के अलावा अमेजॉन जंगल में हजारों कीड़ों और जंतुओं की प्रजातियाँ रहती हैं, और ये आम कीड़ों से काफ़ी अलग और ख़तरनाक होते हैं। चींटियाँ तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन यहाँ की बुलेट एंट जैसे खतरनाक चींटी को आपने नहीं देखा होगा। ये चींटियाँ देखने में तो छोटी होती है, लेकिन इनका डंक किसी खतरनाक जहर से कम नहीं होता। ये चींटियाँ जब काटती है तब किसी गोली लगने जैसा होता है, इसलिए ही शायद इसे बुलेट एंट कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ 4000 से भी ज़्यादा खतरनाक मकड़ियों की प्रजातियाँ मिलती है। इतने मकड़ियों में टारांटुला मकड़ी को सबसे खतरनाक और बेरहम मकड़ी माना जाता है, क्योंकि जब ये मकड़ी काटती है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जहर छोड़ती है, जिससे इंसानों का बचना नामुमकिन सा होता है। अमेजॉन जंगल में चींटियों और मकड़ियों के अलावा लगभग 200 प्रकार के जहरीले मेंढक भी पाए जाते हैं, जो ऊपर से देखने में तो काफ़ी खूबसूरत होते हैं, लेकिन उनके अंदर 10 लोगों को मारने लायक जहर होता है। इसलिए तो खूबसूरती और दहशत इस जंगल की पहचान है। इसके अलावा 4000 से 5000 तक विभिन्न प्रकार के जहरीले सांपों का बसेरा भी है यह अमेजॉन जंगल। यहाँ आपको जमीन पर चलते हुए तथा हवा में उड़ते हुए भी सांप दिख जाएंगे। विश्व की खतरनाक सांपों को आप यहाँ पर आसानी से देख पाएंगे। यहाँ पर आपको कई नदियाँ भी देखने को मिल जाएगी, जो जंगल की तरह ही खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इन नदियों में तरह तरह के जहरीले सांप, मगरमच्छ तथा मछलियाँ रहती है, जो किसी इंसान की जान लेने के लिए काफ़ी है। तरह तरह के शिकारी जानवर जैसे शेर और खूनी जगुआर का भी सामना किसी व्यक्ति से हो सकता है। अमेजॉन जंगल में जाने से पहले मौसम का भी ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर कब और किस समय बारिश हो जाए किसी को भी पता नहीं होता है। इन्हीं सभी कारणों की वजह से अमेजॉन जंगल को काफ़ी खतरनाक माना जाता है। दोस्तों, अमेजॉन जंगल के बारे में इतना सब जानने के बाद क्या आप इस जंगल में जाना चाहेंगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद।